एक बार एक रोड एक्सीडेंट में एक सुपर बाइक की टक्कर ट्रक से हो जाती है। उस एक्सीडेंट में राजेश नाम के बहुत बड़े मैकेनिक की मौत हो जाती है जो उस बाइक को चला रहा होता है। कातिल भाग जाते हैं और राजेश भूत बन जाता है। रुको, तुम नहीं बचोगे धोखेबाज दोस्तों। फिर वो भूत सुपर बाइक में समा जाता है और बाइक अपने आप चलकर राजेश के घर जाकर खड़ी हो जाती है और राजेश का भूत बाइक से बाहर आकर पुरानी बातें सोचने लगता है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे कितना शौक है बाइक का। ये सुपर बाइक मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे देना चाहता था, लेकिन फिर राजेश का भूत पुरानी बातें सोचने लगता है। राजा देखना मेरे बच्चे, तेरे जन्मदिन पर ऐसी सुपर बाइक दूंगा जो कि अभी तक इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। उसकी इतनी स्पीड होगी कि वो पलक झपकते ही आँखों से गायब हो जाए और सिर्फ तेरी आवाज से ही चले, और जब तू रुकने को बोले तो रुक जाए। सच सच में पापा, क्या ऐसी सुपर बाइक बनाना पॉसिबल है? क्या ऐसी सुपर बाइक बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है क्या बेटा? मैं ऐसी सुपर बाइक पर काम कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं ऐसी सुपर बाइक बना लूंगा, तुम देखना। तभी वहाँ राजेश की बीवी सपना आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज बाप बेटे में बहुत प्यार से बातें हो रही है। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरे और मेरे बेटे के बीच का सीक्रेट जब हो जाएगा तो हम दोनों बता देंगे। क्यों राजा? जी पिताजी। अच्छा चलो, ये सीक्रेट विक्रेट छोड़ो, रोटी खा लो, मुझे और भी काम है। तुम लोगों की तरह वेली नहीं हूँ मैं। इसके बाद तीनों खाना खाने चले जाते हैं। अगली सुबह राजेश अपने गैराज में अपनी सुपर बाइक पर काम कर रहा होता है कि तभी उसके दो दोस्त विठल और सलीम लंगड़ा आते हैं। क्यों राजेश भाई, यह खटारा ठीक नहीं हुई क्या? क्या गैराज का काम छोड़ के इस खटारा की मरम्मत में लगे हुए हो? क्या लंगड़े, ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे मैं एक सुपर बाइक बना रहा हूँ जो इस दुनिया की सबसे तेज बाइक होगी और वो भी आवाज से चलेगी। ये बाइक बनने के बाद मुझे अपने राजा को गिफ्ट देनी है, उसे उसके जन्मदिन पर, समझा? क्यों राजेश भाई, सुबह से हम ही मिले क्या जो लग गए फेंकने में? मैं फेंक नहीं रहा, बस थोड़ा सा काम बाकी है, बस फिर देखना तुम। इसके बाद विठल और सलीम लंगड़ा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में राजेश की कही हुई बात घूमती रहती है। अरे सलीम, एक बात बताओ, क्या ऐसी सुपर बाइक बन सकती है जैसे कि राजेश बोल रहा था? भाई बन तो सकती है, वैसे भी राजेश को मैं जितना जानता हूँ वो हवा में बात नहीं करता। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बहुत अमीर हो जाएगा और उसके दोस्त होने की वजह से अपना भी थोड़ा नाम हो जाएगा। क्यों घंटा अमीर हो जाएगा? वो तो बाइक अपने बेटे राजा को गिफ्ट देने को कह रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो जो पैसा हम कमा सकते हैं वो मौका भी जाएगा हाथ से, क्योंकि ये राजेश फार्मूला और बनाने का तरीका तो देगा नहीं किसी को। उसके बाद दोनों सलीम और विठल योजना बनाते हैं कि राजेश को मार दिया जाए और सुपर बाइक बनाने का फार्मूला चोरी करके किसी को बेच दिया जाए ताकि दोनों अमीर बन जाएं। इसी कारण दोनों राजेश को ट्रक से टक्कर मार देते हैं। राजेश के मरते ही उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और राजेश भूत बन जाता है। तुम दोनों ने मुझे मार दिया, अब मैं तुम दोनों धोखेबाज दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। राजेश ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पुलिस राजेश की लाश लेकर आती है। लाश को देखकर राजा और सपना बहुत रोते हैं। राजा बेटे, हमें एक्सीडेंट वाली जगह से ये लाश मिली है, तुम्हारे पिताजी बाइक चला रहे थे, लोगों ने हमें बताया, लेकिन हैरानी की बात है कि ये बाइक यहाँ कैसे आ गई? एक्सीडेंट हुआ लेकिन इस बाइक को कुछ नहीं हुआ। जी, ये सुपर बाइक मेरे पिताजी मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या मैं ये बाइक ले सकता हूँ?
जी ये बाइक तुम्हारी ही है, तुम रख सकते हो। ये सब राजेश का भूत खड़ा होकर सुन रहा होता है और बहुत दुखी होता है। इसके बाद राजा बाइक को घर में खड़ा कर देता है और रात होते ही बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है और चल के सलीम लंगड़े के घर के बाहर पहुंच जाती है। बाइक का हॉर्न अपने आप ही जोर जोर से बजने लगता है। कौन है भाई, क्यों इतनी रात में पागलों की तरह से हॉर्न बजा रहा है? लगता है पीटना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कहकर सलीम लंगड़ा अपने घर का दरवाजा खोलता है और बाहर आता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नजर बाइक पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बाइक है, कितना सुंदर डिजाइन है। लेकिन ये तो उस राजेश की सुपर बाइक जैसी लगती है। एक बार इस पर बैठ के तो देखूं कैसा लगता है। अच्छा है, इसे चुपचाप बेच दूंगा। लेकिन सलीम जैसे ही बाइक पर बैठता है बाइक चलने लगती है। अरे ये क्या हुआ, ये बाइक अपने आप कैसे चलने लगी? मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं की, ये कैसा सेल्फ स्टार्ट है? बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बाइक अपनी स्पीड से चलती रहती है। तभी एकदम से एक सुनसान जगह पर जाकर बाइक रुक जाती है और सलीम झटके मारकर बाइक से उड़ता हुआ नीचे गिरता है। अरे मर गया रे मेरी कमर। अरे कमबख्त, किस जन्म का बदला ले रही है, अरे नास मिटी बाइक। तभी राजेश का भूत वहां आ जाता है और उसे देखते ही सलीम लंगड़ा काफी डर जाता है। राजेश तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम्हें तो हमने खुद मारा था, ट्रक से टक्कर मार के। क्यों डर गया सलीम लंगड़े? तभी राजेश का भूत एकदम डरावना हो जाता है और सलीम लंगड़े की गर्दन उखाड़ देता है और उसके बाद वो बाइक सलीम लंगड़े के शरीर के ऊपर से होके चली जाती है। एक तो गया, अब दूसरे को उसके किए की सजा देनी पड़ेगी। राजेश की आत्मा बाइक में वापस चली जाती है और बाइक अपने आप चल के वापस राजा के घर के सामने पहुंच जाती है। अगले दिन राजा बाइक पर घूमने का प्लान बनाता है। माँ पता है, ये बाइक पापा मेरे लिए बनाने वाले थे, जो कि इस दुनिया की सबसे तेज बाइक हो और सिर्फ मेरी आवाज से ही चले और रुक जाए। क्यों ना आज इस पर चला जाए, पापा की आत्मा को अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। उसके बाद सपना और राजा उस बाइक पर घूमने चले जाते हैं। राजेश की आत्मा जो कि उस बाइक में होती है रोने लगती है। उधर धीरे धीरे उस सुपर बाइक के बारे में पूरे गांव को पता चल जाता है। सब तरफ उस बाइक के चर्चे होने लगते हैं। अरे पता है क्या, सुपर बाइक है राजा के पास। काश ऐसी बाइक मेरे पास होती तो मैं लड़कियों की लाइन लगा देता आगे पीछे। उधर उस बाइक के चर्चे सुनकर विट्ठल को राजेश की बात याद आती है और वो सोचता है। ये वही सुपर बाइक है जो इस राजा का बाप बनाना चाहता था। क्यों ना इस बाइक को चोरी कर लूं, उसके बाद इसको खोल के इसके बारे में पता तो चल ही जाएगा। उसी रात विट्ठल बाइक चुराने पहुंचता है और बाइक को जैसे ही छूता है उसे जोर से बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे मर गया रे, ये कैसी बाइक है, ये तो करंट मार रही है, मेरा हाथ, ये हाथ तो सुन्न पड़ गया रे। विट्ठल की चीखें सुनकर राजा और सपना घर के बाहर आ जाते हैं। अरे विट्ठल अंकल, आप कैसे गिर गए, क्या हुआ? तभी राजेश की आत्मा बाइक से बाहर आ जाती है। उसे देख के तीनों हैरान हो जाते हैं। तुम राजेश, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हमने ट्रक से कुचल कर मार डाला था। जिंदा कैसे दोस्त, ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे किए का इंसाफ करने आई है। ये बाइक चाहिए थी ना,
इसी के कारण मारा था ना मुझे। ऐसा कहकर राजेश की आत्मा उस बाइक में समा जाती है। उस बाइक में हैंडल की जगह राजेश की डरावनी शक्ल दिखने लगती है और फिर बाइक विट्ठल के ऊपर चढ़ जाती है। मुझे माफ कर दो राजेश, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं तुझे? तूने तो अपने लालच में मेरा पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। ऐसा कहकर वो बाइक उसके ऊपर आगे पीछे चढ़ने लगती है और थोड़ी ही देर में विट्ठल के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद राजेश की आत्मा बाइक से बाहर आ जाती है। राजा और सपना राजेश के गले लग जाते हैं। तुम दोनों रो मत, ये तो हमारी किस्मत में था। ये सुपर बाइक मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाई थी, तुम इसको लो और अपना ध्यान रखो। इसके बाद राजेश की आत्मा मुक्त होकर वहाँ से चली जाती है।